नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और बड़ी अपडेट के साथ में। तो रिजल्ट को लेकर बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया है। तो रिजल्ट के अंदर जो धांधली हुई है उसको लेकर जो अध्यक्ष है उन्होंने एक बयान जारी किया है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। आपको आगे भी इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट है आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो आपको बता दें, आपकी जो भर्ती है ग्रेड थर्ड की शिक्षक भर्ती है उसको लेकर वो एक बड़ा मामला सामने आया है। तो आप देख सकते हैं 200 MBC अभ्यर्थियों का चयन OBC वर्ग में हुआ है। तो आप देख सकते हैं जो शिक्षक भर्ती है लेवल 1 में जो OBC कोटे के NCC अभ्यर्थी थे उनका चयन है OBC वर्ग में कर दिया गया है, जिसको लेकर एक जो बड़ा मामला है सामने आया है। तो 200 के लगभग स्टूडेंट है MBC के थे और उनका जो चयन है OBC वर्ग में कर दिया गया है, जिसको लेकर हरिप्रसाद शर्मा ने कहा है कि आप देख सकते हैं ये पूरा आपको नीचे साइड में हरिप्रसाद शर्मा जो अध्यक्ष है राशन कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष, उन्होंने एक बयान है जारी किया है। तो आप इसको पूरा एक बार पढ़ लेना है, पूरे नोटिफिकेशन को आपको इसको ध्यान से देख लेना है। और इस पूरी अपडेट को आपको टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो अभी तक आपने जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।